नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा टेक्सास में दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत की तारीफ करने के बजाय वे राहुल गांधी भारत के बाहर जाकर भारत को ही गाली दे रहे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस और हरियाणा के प्रभारी दीपक बावरिया एम्स में एडमिट हुए हैं। बीपी की समस्या होने की वजह से उन्हें एम्स में एडमिट कराया गया है। कानपुर के पास कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैक पर रखे एलपीजी सिलेंडर ट्रेन से टकरा गई, जिससे तेज धमाके की आवाज सुनाई देने के बाद लोको पायलट ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी। वेनेजुएला के विपक्षी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एडमंडो गोंडालेज शरण लेने के लिए स्पेन पहुंचे। खुफिया एजेंसियों और जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली संभावित घुसपैठ की सूचना के आधार पर 8 सितंबर की रात को नौशेरा के लाम इलाके में भारतीय सेना ने घुसपैठ विरोधी अभियान शुरू किया। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने गिरगांव चौपाटी पर गणेश प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम में भाग लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मसूदा तालाब में गणेश प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम में भाग लिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने जानकारी दी है, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस 9 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। कोलकाता रेप केस मामले पर प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेपी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत में बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी से कोई नहीं डरता है। 9 सितंबर यानी आज एक बार फिर से जीएसटी की बैठक होने जा रही है। सरकार इस बार की बैठक में इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी से लेकर ऑनलाइन गेमिंग पर फैसला ले सकती है। गुजरात में सूरत के एक गणेश पूजा पंडाल में रविवार की शाम को शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात बेकाबू होते देख सूरत पुलिस को रात में जहां लाठीचार्ज करनी पड़ी है। महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। इसी बीच शिवसेना यूपीटी ने अपने मुखपत्र सामना में महायुति सरकार पर तीखा हमला बोला है। अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र पहुंचे हैं। यहां उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ रविवार को बैठक की। पहले ही दिन लालबाग के राजा के चरणों में भक्तों ने 48,30,000 रुपए का चढ़ावा चढ़ाया। इसके साथ ही भारी मात्रा में सोना और चांदी भी दान के रूप में उनके भक्तों ने भेंट दी है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने कहा कि जनता परिवर्तन चाहती है। महाराष्ट्र के मौजूदा हालात देखकर मैं ये बता सकता हूं कि हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता और पूर्व विधायक गोपाल दास अग्रवाल ने रविवार को पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण में महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में रविवार को उसके ससुर और देवर को गिरफ्तार कर लिया गया। वैश्विक बाजारों से मिल रहे नकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू बाजार ने भी आज सोमवार को सप्ताह की खराब शुरुआत की है। साउथ सुपरस्टार थलपति विजय की गोट ने चौथे दिन भी अपनी कमाई का पल्ला भारी रखा हुआ है। फिल्म ने भारत में जहां 3 दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, तो वहीं वर्ल्ड वाइड कमाई के मामले में 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।